नवरात्र की शुरुआत इस बार ऐसे समय में हो रही है जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और चारों तरफ केवल नकारात्मक ऊर्जा ने पांव पसार रखे हैं। ऐसे में मां दुर्गा के नौ रूपों से जुड़ी नौ औषधियों का प्रयोग करने से न सिर्फ आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं बल्कि मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता ऋषि मुनियों ने कुछ औषधियों को इस ऋतु में विशेष सेवन हेतु बताया था जिससे प्रत्येक दिन हम सभी उसका सेवन कर शक्ति के रूप में शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाकर हम शक्तिवान ऊर्जावान बलवान और विद्वान बन सकें। नौ तरह की यह दिव्य गुणयुक्त महा औषधियाँ निसंदेह बहुत ही प्रभावशाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हम पूरी जिंदगी बदलते मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वयं को ढालने में सक्षम हो और निरोगी व दीर्घायु प्राप्त करें। नव दुर्गा के अमूर्त रूप के रूपक औषधि जिनका हमें शीतकाल में सेवन अवश्य ही करना चाहिए। नव दुर्गा के औषधि स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया। चिकित्सा प्रणाली का यह रहस्य वास्तव में ब्रह्मा जी ने दिया था जिसके बारे में दुर्गा कवच में संदर्भ मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह औषधियाँ समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का कार्य करती हैं, इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया। इनके प्रयोग से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष जीवन जी सकता है। ये औषधियाँ समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रथम शैलपुत्री यानी हरड़। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो सात प्रकार की होती है। इसमें हरितिका यानी हरड़ भय को हरने वाली है। इसका प्रयोग करने से पेट की सभी समस्याएं दूर रहती हैं और ये अल्सर में काफी फायदेमंद है। इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए सर्दियों में इसका सेवन कई रोगों से बचाने में मदद करता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी। यह है आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली है। इसलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। यह मन मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। ब्राह्मी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। वहीं इसका नियमित सेवन पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। तृतीय चंद्रघंटा यानी चंदूसूर। चंद्रघंटा इसे चंदूसूर या चमसूर कहा गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है जो लाभदायक होती है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। साथ ही यह पौधा स्मरण शक्ति बढ़ाने, दिल को स्वस्थ रखने में भी मददगार है। चतुर्थ कुष्मांडा यानी पेठा। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुमेरा भी कहते हैं जो पुष्टिकारक वीर्यवर्धक और रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत समान है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुमेहड़ा रक्त पित्त एवं गैस को दूर करता है। यह औषधि शरीर में सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के साथ रक्त पित्त रक्त विकार को दूर करती है। पेट के लिए भी यह औषधि किसी रामबाण से कम नहीं है। रोजाना इसका सेवन मानसिक और दिल की बीमारियों से भी बचाता है।
नवदुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता है, जिन्हें पार्वती या देमा भी कहा जाता है। यह औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होता है। अलसी का सेवन कैंसर, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम का खतरा घटाता है। आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी भरपूर अलसी एनीमिया, जोड़ों के दर्द, तनाव, मोटापा घटाने में भी फायदेमंद है। षष्ठम का त्यागनी यानी मैया, इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंबा, अंबिका, अंबालिका। इसके अलावा इसे मोइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ, पित्त, अधिक विकार और कंठ के रोग का नाश करती है। इसके अलावा यह औषधि कैंसर का खतरा भी घटाती है। सप्तम कालरात्रि यानी नागदौन, यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। यह सुख देने वाली और सभी विषों का नाश करने वाली औषधि है। इससे ब्रेन पावर बढ़ती है और तनाव, डिप्रेशन, ट्यूमर, अल्जाइमर जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। वहीं इसकी दो या तीन पत्तियां काली मिर्च के साथ सुबह खाली पेट लेने से पाइल्स में फायदा मिलता है। साथ ही इसके पत्तों से संकाई करने पर थोड़े फुंसी की समस्या भी दूर होती है। देवी मां गौरी यानी तुलसी, तुलसी सात प्रकार की होती है, सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढेरक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है और हृदय रोग का नाश करती है। जहां धार्मिक नजरिए से घर में तुलसी लगाना शुभ माना जाता है, वहीं सेहत के लिए भी यह रामबाण औषधि है। तुलसी का काढ़ा या चाय रोजाना पीने से खून साफ होता है, साथ ही इससे दिल के रोगों का खतरा भी कम होता है। यही नहीं, इससे कैंसर का खतरा भी कम होता है। नवम देवी सिद्धिदात्री यानी शतावरी, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि, बल व वीरक के लिए उत्तम औषधि है। यह रक्त विकार और अनुवाद, पित्त शोध नाशक और हृदय को बल देने वाली महा औषधि है। सिद्धिदात्री यानी शतावरी का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। यह स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बेहतरीन औषधि है। यह रक्त विकार को दूर करने में मदद करती है। वहीं रोजाना इसका सेवन करने से शरीर में कैंसर कोशिकाएं नहीं पनपती। शतावर में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी और घुलनशील फाइबर होता है, जो पेट को दुरुस्त रखने के साथ कई रोगों से बचाने में मददगार है। आयुर्वेद की भाषा में नौ औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित और साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। मनुष्य को इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। नवदुर्गा यानी मां दुर्गा के नौ रूप इन नौ औषधियों में भी विराजते हैं। मां अंबे के यह नौ रूप जो समस्त रोगों से बचाकर जगत का कल्याण करते हैं। आज के लिए इतना ही, इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से।